ऐसा है कि हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ये फैसला लिया कि राजा वीरभद्र सिंह जी नेचर को बहुत प्यार करते थे, तो उनके स्मरण में पूरे प्रदेश में जो है राजा वीरभद्र सिंह वन महोत्सव वीक मनाया जा रहा है, सप्ताह मनाया जा रहा है। उसी के चलते हमने आज दून क्षेत्र की पहाड़ी एरिया जहाँ राजा साहब का ससुराल भी है वहाँ पर हमने आज पौधारोपण किया। लगभग 125 लोगों ने उसमें भाग लिया और जिसमें मुख्य रूप से हमारे कई प्रधान थे, उप प्रधान थे और हमारे मुख्य कार्यकर्ता थे। कुठाड़ में जो उनके साला साहब है राणा साहब भी, वो भी मौजूद थे। मैंने लीची का पौधा लगा के इस ड्राइव की शुरुआत की और आज की ग्राम सभा में जो हमारी कुठाड़ ग्राम पंचायत थी, उन्होंने निर्णय लिया कि जो तहसील रोड है, सब तहसील रोड कुठाड़ है, उसका नाम राजा वीरभद्र सिंह मार्ग रखा गया। तो हमने भी ये फैसला लिया कि राजा वीरभद्र सिंह मार्ग पे जो है वो उसका पौधारोपण किया जाए। तो हमने ऊपर महल से लेके नीचे को सारे उस रोड के एक तरफ में जो पौधारोपण किया है। एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे कि जिस तरह से आधुनिक हिमाचल के निर्माता स्वर्गीय वीरभद्र सिंह एक मील का पत्थर थे सभी राजनीतिज्ञों के लिए, क्या अब कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो उनके नक्शे कदम पर चलते रहे? बिल्कुल, राय साहब के स्वर्गवास होने के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एकदम जोश भरा है। पूरे प्रदेश में हर ब्लॉक में जो है कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्रित होकर जो है राय साहब के नाम पे कोई ना कोई कार्यक्रम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि राय साहब जाते जाते जो है कांग्रेस में जो छोटा मोटा मनमुटाव था उसको दूर करके और कांग्रेस को जो है एकजुट करके, तो उसके लिए भी राजा साहब जो है हमेशा के लिए जाने जाएंगे और आधुनिक युग के निर्माता के नाम से राजा साहब जाने जाते हैं। और इतने सरल मुख्यमंत्री मैं नहीं समझता कि पूरे प्रदेश पूरे देश में होंगे। और राजा वीरभद्र सिंह में इतनी क्षमता थी कि वो एक भारतवर्ष के ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं कि वो हिमाचल के किसी भी क्षेत्र से चुनाव लड़ते थे वो चुनाव जीतते थे। आप अन्य पार्टी में आप देख लो, अन्य प्रदेश में आप देख लो, किसी भी दिग्गज से दिग्गज जो चाहे बीजेपी के भी मुख्यमंत्री हैं अपना चुनाव क्षेत्र छोड़ के कहीं से चुनाव लड़े चुनाव हार जाएंगे। लेकिन राज साहब की जो पॉपुलरिटी है क्योंकि वो मासी से जुड़े हुए थे, क्योंकि मैं तो बड़ा नज़दीक होकर उनसे काम किया, उनके साथ काम किया, जहाँ 10 लोग भी रास्ते में खड़े हैं जितना मर्जी उनको जल्दी होती थी लेकिन राज साहब खड़े होकर उनको मिलते थे, उनकी बात सुनते थे।